नमस्कार, मैं दीप्ति बुंदेलखंडी जायका में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ शादी वगैरह में जो रायता बनता है बूंदी का, वैसा ही रायता मैं बिल्कुल आपको आज घर पर बनाकर दिखाऊंगी। आपने कई बार लोगों को सुना होगा कहते हुए कि जैसा रायता शादी वगैरह में मिलता है वैसा घर में नहीं बन पाता है, तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ बिल्कुल शादी और पार्टियों वाला रायता, जिसमें फूली फूली एकदम मटर के दाने जैसी बूंदी पड़ी रहती है। हम लोगों को शिकायत रहती है कि घर में जो हम रायता बनाते हैं उसकी बूंदी अंदर से जल्दी से फूलती नहीं है, उसमें टाइम लगता है। तो आज मैं जिन मसालों के साथ ये बनाने वाली हूँ बूंदी का रायता, अगर आप बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे कुछ सिंपल सी ट्रिक्स के साथ, तो आपका रायता बिल्कुल शादियों और पार्टियों वाला बनेगा। तो चलिए, अगर आपको मेरी ये रायते की रेसिपी पसंद आती है, बूंदी का रायता पसंद आता है, तो आप इसको लाइक कीजिए और सबसे पहले आप इसको ट्राई कीजिएगा। अगर ट्राई करने के बाद आपको ये अच्छा लगता है, मेरा तरीका आपको पसंद आता है रायता बनाने का, तो मेरे चैनल का नाम है बुंदेलखंडी जायका, प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए मैं आपको बताती हूँ मैंने ये बूंदी का रायता किस तरीके से बनाया है सिंपल सी ट्रिक्स के साथ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हम अपना बूंदी का रायता। जैसा शादी समारोह वगैरह में आपने खाया होगा वो बहुत ही अलग तरह का बनता है, घर पे नहीं बन पाता है वैसा, तो आज मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगी जिससे आप घर पर ही बिल्कुल शादियों और पार्टियों वाला रायता बनाकर तैयार कर लेंगे बूंदी से। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने यहाँ पर छाछ ली है, आप दही लेंगे, आप उसको कितना भी पानी डालकर मथेंगे फिर भी वो इतना ज़्यादा स्मूथ नहीं होगा जितना कि छाछ होती है। और साथ में ही मैंने यहाँ पर ले लिया है बगल में एक डोंगे में पानी, ये हल्का गुनगुना पानी है, आप इसमें उंगली डालेंगे तो थोड़ा सा एहसास होगा ये इतना गर्म है। और मैं इसमें डाल दूँगी ये बूंदी, जब तक हम अपनी छाछ रेडी करेंगे तब तक ये बूंदी रेडी हो जाएगी रायते में जाने के लिए। और इसी तरह से हलवाई वगैरह डालते हैं हम, गलती क्या करते हैं घर में, हम रायता बनाते हैं अच्छे से मट्ठे को छौंका और उसके बाद उसमें डाल देते हैं बूंदी, तो काफ़ी देर लगाती है फूलने में। इस तरह से अगर आप गर्म पानी में डाल देंगे तो जब तक हम अपना मट्ठा तैयार करेंगे तब तक हमारी बूंदी रेडी हो जाएगी। अब मैं डालना शुरू करूँगी इसमें मसाले। सबसे पहले डालूँगी मैं यहाँ पर नमक। वैसे तो जब आपको इसे सर्व करना हो तभी आप इसमें नमक डालें, नहीं तो ये खट्टा हो जाता है। मैं इसको बनाकर फ्रिज में रख दूँगी। मैंने यहाँ पर ये आधा केजी मट्ठा है, लगभग 500 ग्राम, इसमें मैंने आधे से थोड़ा ज़्यादा सा नमक डाल लिया है, आधे चम्मच से थोड़ा ज़्यादा नमक डाला है, आप अपने स्वाद के अनुसार मिला लें। और यहाँ पर मैं इसमें मिलाने वाली हूँ आधा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, साथ में ही हम इसमें मिला देंगे दो चुटकी गरम मसाला। गरम मसाले से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और रायते का टेस्ट एकदम बदल जाता है। हलवाई हमेशा रायते में थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करते हैं। और मैंने यहाँ पर लिया है आधा चम्मच रायता मसाला, ये पुदीने के फ्लेवर वाला है। मैं यहाँ पर महीन कट करके डाल रही हूँ एक हरी मिर्ची, आपको पसंद हो तो डालें, ना पसंद हो तो ना डालें। यहाँ पर मैंने लिया है एक चम्मच कसूरी मेथी, इसको हम इस तरह से हाथों से रगड़ते हुए डाल देंगे। और अब हम सारी चीज़ों को करेंगे अच्छे से मिक्स, ताकि नमक और मसाले बहुत अच्छे से घुल मिल जाएं छाछ के साथ। और देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, जब तक मैंने यहाँ पर अपनी छाछ तैयार की है मसाले के साथ, ये देखिए बूंदी बहुत अच्छे से फूल गई है। अब हम इसका पानी निकाल देंगे छन्नी की सहायता से। यहाँ पर मैंने बूंदी का पानी हटा दिया है, हमने इसको गर्म पानी में डाला था, तो आप इसको जब पानी से निकालें तो आप ध्यान रखें ये थोड़ी सी गर्म रहेगी, हमें गरम गरम इसको छाछ में नहीं मिलाना है, हमें इस पर थोड़ा सा ठंडा पानी डाल देना है
ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए। उसके बाद हमें इसको इस तरह से छाज में ऐड करना है। अब मैं इसको इस तरह से लिड से कवर कर दूंगी और तड़का लगाने के लिए इसमें हमारे यहाँ बोलते हैं छौंक लगाना, तो छौंक लगाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक चमचे में थोड़ा सा सरसों का तेल। मैंने यहाँ पर ये 2 चम्मच सरसों का तेल ले लिया है और मैं अब इसको गर्म करूँगी। लीजिए, मैंने तेल को गर्म कर लिया है और यहाँ पर लिए मैंने 2 चुटकी हींग और 1/2 चम्मच जीरा। इस तरह से हम डाल देंगे और जब हम इसमें छौंक लगाएंगे तो हम इसको इस तरह से लिड को पकड़ लेंगे और जैसे ही चमचा हम डालेंगे रायते के अंदर वैसे ही हम लिड को तुरंत कवर कर देंगे। इस तरह से कवर करने से वो जो छौंक का तड़का होता है उसका बहुत अच्छा फ्लेवर रायते में आता है। मैंने इस रायते को 5 मिनट तक इसी तरह से कवर करके रखा है। अब हम लिड को साइड में करेंगे और मैं इसमें डाल दूंगी कटा हुआ हरा धनिया। रायते में धनिया वगैरह का बहुत अच्छा टेस्ट होता है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। लीजिए, बनकर रेडी हो गया है हमारा बिल्कुल हलवाई स्टाइल रायता, जैसा हम शादी और पार्टियों में खाते हैं।